रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से? एक और नए व्लॉग के साथ आपका भाई, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शिपोनर्स कॉलेज में। अच्छा, शिपोनर्स कॉलेज का थोड़ा सा सिलसिला ये कि किसी वक्त में ये जगह काफ़ी सुनसान हुआ करती थी, यहाँ पर लोग आते हुए काफ़ी घबराया करते थे, और लेकिन आज यहाँ पर एक जो है वो बड़ा रौनक वाला माहौल है और यहाँ पर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशनवारी पे। अच्छा, गुलशनवारी क्या है? गुलशनवारी ये है कि यहाँ पर जो है बहुत बेहतरीन बेहतरीन किस्म के खाने यहाँ पर जो है और नहायत ही सस्ते दामों में मिलते हैं। इनका कहना ये है कि हमने बहुत मुनासिब कीमत में यहाँ पे खाने रखे हुए हैं। तीन इनकी बहुत स्पेशल डिशेज़ हैं, उन तीनों स्पेशल डिशेज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो आइए हमारे साथ चलिए आवासी भाई। ओके जी, लोकेशन इसकी ये है कि जब आप फाइव स्टार चौरंगी से शिपोनर्स कॉलेज की तरफ आएंगे तो आपको पठानो पिज्ज़ा, लाल बारबेक्यू शनवारी और उसके अलावा सीधे हाथ पे जब आपके उल्टे हाथ पे आपको ये गुल शनवारी रेस्टोरेंट नज़र आएगा। ये इसकी लोकेशन है, ये सामने शिपोनर्स कॉलेज है। ये रास्ता जो आ रहा है, ये रास्ता आ रहा है आपका इंटर बोर्ड ऑफिस की जानब से। इंटर बोर्ड ऑफिस की जानब से जब आप शिपोनर्स की तरफ आएंगे तो आपको ये गुलशनवारी रेस्टोरेंट नज़र आएगा। और वो रास्ता जो आ रहा है, वो रास्ता आ रहा है फाइव स्टार चौरंगी से। फाइव स्टार चौरंगी से जब आप आएंगे तो आपको गुलशनवारी रेस्टोरेंट नज़र आएगा। तो हमारे साथ ही रहेंगे भाई। तो हम आ गए हैं गुलशनवारी रेस्टोरेंट के अंदर और ये इनका है किचन एरिया। और इस किचन एरिया में यहाँ पर जो है वो रिप्स और दूसरा चक्की, दुम्बे की चक्की वगैरह और इस तरह की दूसरी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती है, चांपे तैयार की जाती हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर आगे कौन कौन सा आइटम है। आगे आपको लेके चलते हैं, यहाँ पर भी आप जो है वो देखें ये सारे रेस्टोरेंट का आइटम, किचन आइटम है, ये सब तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। ये भाई बहुत ही टेस्टी आइटम सारे लगे हुए यहाँ पे। ये चिकन का आइटम है और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। देखें ये कढ़ाइयाँ यहाँ पर तैयार हो रही है, ये कढ़ाई तैयार हो रही है भाई जो है वो कढ़ाई को फुल मंड के जो है वो पकाने में लगे पड़े, बड़ा डिलीशियस है। इधर ये क्या पका रहे हैं आप भाई? ये कीमा पका रहे हैं आप? कीमा? मटन कीमा पका रहे हैं। अरे भाई मटन कीमा पक रहा है यार, तुम मेरे जो ना मुंह में तबीयत से कोई पानी लेकर आए हो, ऐसा ऐसा खुशबू सुंगा के ना बड़ा कोई टेस्टी लग रहा है। माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और ये बाकी दूसरी दोनों में क्या पक रहा है? ये मटन बॉयल हो रहा है, ये मटन बॉयल हो रहा है भाई। और उसमें उसमें भी बॉयल हो रहा है, ये चिकन वाइट है, ये भी बॉयल हो रहा है। चलो जी, चिकन और ये बॉयल हो रहा है भाई। यहाँ पे देखें बेहतरीन तरीके से ये पका रहे हैं भाई, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारा दिल तबीयत से ललचा रहा है। तो ऑर्डर वगैरह खैर हमने किया है, ऑर्डर हम खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे जी। तो भाई गुलशनवारी की जानिब से कराची की आवाम के लिए तीन नई डिशेस का इफ्तिताह कर दिया गया है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगी गुलशनवारी पर। गुलशनवारी का कहना ये है कि इनके पास सिर्फ ये डिशेस मौजूद हैं और इसके अलावा आपको कराची में कहीं भी इन डिशेस को खाने का मौका नहीं मिलेगा। तीन नई डिशेस में मटन बारबेक्यू चांप, चिकन नौरोज़ और मटन सिकंदरी शामिल है। इस वीडियो में हम आपको दो डिशेस के बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन ये वीडियो हमारी दो हिस्सों पर मुहित होगी। तो आज हम आपको पहला हिस्सा इस वीडियो का दिखा रहे हैं। जी तो भाई ये चिकन नौरोज मेरे से तो बर्दाश्त भी नहीं हो रहा भाई, हाथ में मेरे है, मेरा तो दिल कर रहा मैं यहीं पे खा जाऊं। लेकिन बात यह है कि ये चिकन नौरोज है क्या चीज और उसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती है, इसके बारे में हम भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो आप मुझे अपना तारुफ करा दें। सर मेरा नाम अब्दुलरहमान है, मैं मंडी और वगैरह ये फ्राइड टोफू की कारी करती हूं। सर ये क्या आइटम बनाया आपने, मेरा दिल ऐसा ललचा रहा है ना इस वक्त मैं यही खा जाऊंगा, तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताओ। जी सर ये हमने कराची के लिए स्पेशल निकाले हुए, कराची वाला लोग स्पाइसी बहुत पसंद करते हैं, तो ये इंशाल्लाह कराची वालों के लिए बेहतरीन टेस्ट और बेहतरीन चटपटा चीज हमने निकाले हुए। इसको बोलते चिकन नौरोज, मसालों में फ्राई होते हैं, उसके बाद फिर ये मसालों में स्टीम होके फिर उसके बाद फ्राई होते हैं,
तो ये चीज मसाले वाला और लेमन के साथ इसका अपना सॉस होते बिल्कुल वीआईपी और चटपटा चीज है। कौन कौन सा मसाले आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा सा बताएंगे? सर बिल्कुल ये हम बताएंगे, इसमें हम मुख्तलिफ अपना जीरा वगैरह ये धनिया मनिया के इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा अपना रेसिपी, हमने इसमें मसालों का बहुत इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा टेस्ट उसमें। भाजी तुम डेकोरेशन आपने इसकी माशाल्लाह से ऐसी की है ना कि मेरा दिल कर रहा है कि बस मैं इसको यहीं पे बोल दूं। आसिफ भाई तो कंट्रोल से थोड़ा सा बाहर है, इंतजार नहीं है, इसको बिल्कुल मन के खाऊंगा और बिल्कुल आपको इसके बारे में रिव्यू भी दूंगा। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। तो भाई और अगर आपको ये ट्राई करना है तो फिर आपको कहाँ आना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा गुलशनवारी भाई के पास। अभी हम मौजूद हैं अभी बुल्ला भाई के साथ, यहाँ के मैनी जा रहे हैं तो इनके इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डिशे हैं। अभी तो हमने एक बना ली है, दूसरी डिश कैसी है क्या है ये बताएंगे। जी अभी भाई आप लोगों का बड़ा शुक्रिया, आप लोग आए इंशाल्लाह हम आपको खाना भी खिलाएंगे, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा हमारा गुलशनवारी में। आपको आप लोगों ने देखा अभी मटन सिकंदरिया और चिकन नेरोस, ये डिश बड़ी फेमस है, बहुत अच्छी है, ये लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैं अक्सर लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ, लोग खा के बड़े मज़ा इन्जॉय करते हैं, तो एक दफ़ा खाते हैं तो बार बार खाते हैं। तो इसके बाद हम आपको ये विजिट करवाएंगे, हमारा सारा खाना अलहमदिल्ला बहुत अच्छा है, अमेजिंग है, तो मुनासिब रेट आपको हम यहाँ पे गुलशनवारी में खाना मिल जाता है। तो उसके बाद में आपको हमारे पास कोयला चटपटा कढ़ाई, कोयला कढ़ाई है, आप खाएंगे आप इंशाल्लाह खुद बता देंगे कि इसका जायका कैसा है और इसका मज़ा आपको कैसा लगा। खासकर आपको पता है कोयले में जो चीज़ पकती है वो बहुत ही टेस्टी और जायकेदार और जायकेदार होती है। अच्छा यहाँ का एड्रेस बताएंगे? हम यहाँ का एड्रेस बिल्कुल करीब है और यहाँ से बिल्कुल मतलब ये हैदरी के अंदर, हैदरी में आ जाएंगे फास्ट चलेंगे सर, 2 मिनट का रास्ता है, आप आगे आएंगे गुलशनवारी है सामने, लाला शनवारी के सामने बिल्कुल चिप ऑनर कॉलेज है उसके बिल्कुल सामने फ्रंट में है। तो आप लोग आए इंजॉय करें, पूरी कराची को मैं इनवाइट करता हूँ, आप आए और इन्जॉय करें अपने फूड। फैमिली के लिए कोई आपने बनाया? हमारे लिए फैमिली के लिए बहुत बड़ा है, 2 हॉल बनाए हमने और इंशाल्लाह फैमिली भी बड़ा इन्जॉय कर सकती है, बड़ा अच्छा सर्विस मिलेगी आपको, फूड भी इंशाल्लाह क्वालिटी बिल्कुल अमेजिंग और अच्छी क्वालिटी आपको खाना मिलेगा। हमारे पास चाइनीज है, पाकिस्तानी है और कॉन्टिनेंटल भी मिक्स है, तो सारे खानों का आप इन्जॉय कर सकते हैं गुलशनवारी में। ओके जी तो चलते हैं अब हम इधर फैमिली हॉल में, और एक बड़ा खूबसूरत सा यहाँ फैमिली हॉल है, यहाँ पर ये डाइनिंग का आप सेटअप देखें, बड़ा बेहतरीन सा डाइनिंग का यहाँ पर सेटअप लगा हुए, पूरा ये इन्होंने एक बड़ा सा फैमिली हॉल बनाया हुआ है, और यार मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा कोई अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे। तो चलते हैं यहाँ पे लोगों से थोड़ी सी बात करेंगे, पूछते हैं लोगों से अगर हमसे यहाँ कोई बात करता है तो उनसे ज़रा फूड के हवाले से भी थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं, देखते हैं कोई बात करता है। ओके जी ये आप देखें, ये माशाल्लाह से यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ, ये फ्रेश जूसेस वगैरह का सेटअप है और बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे हमने फैमिली से बात करने की कोशिश की लेकिन फैमिलीज़ वगैरह का कहना यही है कि हम जो है वो बात ऑन कैमरा नहीं करेंगे, बट ऑफ कैमरा उनका कहना यही था कि बहुत जो है वो बेहतरीन सेटअप है यहाँ पे। अच्छा सर ये बताइएगा कि कैसा है इनका फूड यहाँ पे, आप पहली दफ़ा आए हैं या इससे पहले भी आते रहे? तो कौन कौन सा आइटम आपने ट्राई किए थे यहाँ पे? सही का अभी कौन सा फूड आपने जो है ऑर्डर किया? सही, और वो अफगानी बोटी मंगाया। चले सर बहुत शुक्रिया आपका रिव्यू देने का, बहुत शुक्रिया जी। तो भाई जैसे आपने देखा कि इस वीडियो के पहले हिस्से में आपको हमने मटन चाप, जुम्बे की चक्की और चिकन नोरोज जो कि गुलशनवारी की स्पेशल डिश है जो कि कराची में सिर्फ इन्हीं के पास मौजूद है, उसके बारे में हमने आपको तफसील से बताया। अगले हिस्से में इंशाल्लाह ताला हम आपको मटन सिकंदरी के बारे में तफसील से बताएंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ ही रहिएगा, जल्द ही इंशाल्लाह ताला हम आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ भी लेकर जाएंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।